छत्तीसगढ़ में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। धमतरी में चोरों ने मंदिर की दान पेटी में हाथ साफ किया है। मामले में पुलिस ने जांच चलाकर चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,300 रुपए नकद, घटना में इस्तेमाल बाइक और चोरी के घंटा, कलश और लोटा बरामद किया है। दरअसल अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुजगहन पोटिया डीघी कला तराई साहिब करीब आधा दर्जन मंदिरों से दान पेटी सहित मंदिर में रखा सामान चोरी हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। थाना अर्जुनी क्षेत्र के ग्राम मुजगहन पोटिया डीघी कला तराई तथा परस तराई, इन ग्रामों के मंदिरों में चोरी की घटना घटी थी, जिसके संबंध में थाना में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मंदिरों के पास लगे सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से जो है अध्ययन किया गया, जो साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर उक्त आरोपियों के संबंध में पतासाजी की गई, जो फुटेज के आधार पर ग्राम सेहरा डबरी के रुपेश रात्रे, गजराज नेताम, तुरेंद्र बघेल तथा सुनील साहू और बनियापारा पोस्ट ऑफिस वार्ड धमतरी के प्रीतम सोनी, इन सभी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। और इनके कब्जे से एक दान पेटी, एक कलश, 5,000 रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर आज दिनांक माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।